ज्यादा गंदी है कभी नहीं हुई। बच्चों के टिफिन वगैरह भी सब आप इसमें जमा सकते हैं, ये बहुत अच्छे बनते हैं। ये देखिए इसमें हमने कितने सारे बर्तन जमाए हैं, ऊपर भी और नीचे भी। अब देखते हैं इनको धुलने के बाद। ये डिटर्जेंट कड़क हो गया, बॉस का डिटर्जेंट है ये, एक महीने से ऑफर हो गया इसको चलते चलते। इसमें हमने इतना डिटर्जेंट डाल दिया है, अब इसको हम चालू कर देते हैं। इसके पंखे चेक कर लीजिए, ये कहीं से टकरा तो नहीं रहे, ये बहुत आसानी से घूम रहे हैं, कहीं भी नहीं टकरा रहे। नीचे वाला भी चेक कर लीजिए, ये भी आसानी से घूम रही है। अब हम इसको चालू कर देंगे। इसको हम इंटेंसिव कढ़ाई पे चालू करेंगे, इसमें डेढ़ घंटे में बर्तन धुलेंगे। डेढ़ घंटे में इसमें बर्तन बहुत अच्छे धुलते हैं। ये बर्तन हमने रात को धोए थे, रात को लेट हो गए थे तो हम दिखा नहीं पाए थे। ये धुल के ना साफ सूख भी गए, पर रात को धोए और मशीन को लगा के और सो गए थे। जब सुबह से अभी देख रहे हैं, सुबह उठकर ये मशीन इतनी अच्छी है कि इसको रात में भी अपन इसमें बर्तन रख दो और इसको चालू करके सो जाओ, ये ऑटोमेटिक ही बंद हो जाती है। कितना शानदार बर्तन धुले हैं ये। कुछ लोगों ने इसमें पूछा था पहले कि जर्मन के बर्तन कैसे धुलते हैं, तो ये जर्मन के बर्तन है, पहले भी इसकी बार डाल चुके हैं। ये अंदर से तो बिल्कुल अभी भी सफेद दिख रही है, लेकिन बाहर से थोड़ी सी काली पड़ गई है, क्योंकि जर्मन क्या है, इसमें गर्म पानी से धुलते हैं बर्तन, तो जर्मन काला पड़ जाता है। अच्छी क्वालिटी के काले नहीं पड़ते, अच्छे क्वालिटी का जर्मन काले नहीं पड़ते, बाकी ये थोड़ा सा काला पड़ जाता है। बाकी धुलते हैं बर्तन, और ये बच्चों के टिफिन भी रखे थे, ये भी अच्छे क्वालिटी का प्लास्टिक है, इसलिए इसमें भी कुछ भी नहीं होता। ये ट्रे तो ये जो ट्रे है हमने वॉश की थी इसको इंटेंसिव कढ़ाई पे जो डेढ़ घंटे के लिए जिसमें धुलते हैं बर्तन, और ये ट्रे के ये हाल हुए हैं, सब तरफ से टूट गई है ये, क्योंकि ये हार्ड प्लास्टिक है, तो हार्ड प्लास्टिक आप इसमें मत वॉश करना।
और ये जो ट्रे ये भी हम उसी में धोते हैं, बट ये थोड़ा लाइट है प्लास्टिक, तो ये टूटा नहीं, ये बहुत अच्छा है। पर हार्ड प्लास्टिक मत वॉश करना वरना वो टूट जाएगा। तो ये जो दोनों जर्मन की तपेलियाँ हैं ये भी हमने डिश वॉशर में ही वॉश की थी। जब हमने फर्स्ट टाइम बर्तन धोए थे जर्मन के, तब उसमें बहुत अच्छे धुले थे और फिर धीरे धीरे ये बहुत काले पड़ गए हैं। ये वाली कुछ ज़्यादा ही, ये तो अच्छी है, अभी बहुत अच्छी है ये तो, बस बाहर से ही थोड़ी सी काली पड़ी है, बाकी ये पूरी तरीके से। ये थोड़ी थोड़ी जगह पे से हुई है, मतलब सब दूर से नहीं हुई, और अंदर से तो ये बहुत ज़्यादा साफ है। और जो लकड़ी की चीज़ें हैं वो आप ना ही डालें तो अच्छा है, क्योंकि ये ऐसे ड्राई हो जाते हैं, वीडियो में तो नहीं दिख रहा है बट हाँ ड्राई हो जाते हैं ये, तो बेलन या कुछ भी लकड़ी की चीज़ हो तो उसको आप ना ही धोएं तो अच्छा है। बच्चों के टिफ़िन होते हैं ये भी इसमें बहुत अच्छे से धुल जाते हैं, और इनका जो ये प्लास्टिक है थोड़ा सा, इसमें भी कोई डैमेज नहीं आया है। मिक्सर के जार का ढक्कन है ये भी आप उसमें धो सकते हो, इसमें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। आप लोग कुकर का ढक्कन भी इसमें धो सकते हो, लेकिन इसके जो ये रबड़ है रिंग, इसको उतार के आपको धोना पड़ेगा वरना ये ढीली हो जाएगी। ये फाइबर की प्लेट्स और ये डिश का ढक्कन है, तो ये भी हमने उसी में धोया है, ये बहुत अच्छे से धुल चुका है। जो चलनी होती है इसके आइट साइड पे ना चाय की कालोज जम जाती है, तो वो भी इसमें धीरे धीरे साफ हो गई है, और ये जितनी बची है वो भी धीरे धीरे हो जाएगी साफ। तो ये जो डिटर्जेंट है बॉश का, ये 400 रुपये का एक जो है ये पैकेट है, और हमने ये अमेज़ॉन से मंगवाए थे तो ये 550 के दो आए थे। ये जो तीनों हैं ये एक एक किलो के हैं, तो ये तो हो गए 2 किलो और ये एक, दोनों ही बहुत अच्छे बर्तन वॉश करते हैं, पर ये थोड़े बॉश से सस्ते पड़ते हैं, पर ये थोड़े एज़ कम्पेयर टू बॉश सस्ते पड़ते हैं। तो अभी 1 मंथ हो चुका है डिटर्जेंट ये डालते डालते, और अभी भी इसमें इतना बाकी है, और ये मतलब बहुत सारा है उसमें। आप लोग इनकी जगह टैबलेट भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें तीनों चीज़ें होती हैं, सॉल्ट, रिंस और डिटर्जेंट, तीनों चीज़ें होती हैं उसमें। पर लेकिन कभी कभी ये होता है कहीं का पानी खारा ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर फिर आपको सॉल्ट डालने की ज़रूरत होगी, क्योंकि उसमें तीनों चीज़ें सेम क्वांटिटी में होती हैं, पानी खारा होता है तो फिर बर्तन ढंग से धुलते नहीं हैं, तो आपको सॉल्ट डालने की ज़रूरत पड़ सकती है। स्टील के बर्तन अच्छे से धो सकते हैं, ग्लास के बर्तन अच्छे से धो सकते हैं, और फाइबर के भी अच्छे से धो सकते हैं। स्टील के बर्तन ये बहुत अच्छे से धोती है, और प्लास्टिक के बर्तन आप चाहो तो धो सकते हो, पर क्विक वॉश में धोंगे तो वो ख़राब नहीं होंगे।